दोस्तों, हम मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट छत के तरफ जा रहे थे उसी रास्ते से, तो अचानक हमारा पैर फिसल गया। आप देख सकते हैं किस तरह हमारा छिला गया, यहाँ पे चोट लग गया है, बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे सूजन भी आ रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय मौजूद है वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे। कल आप लोगों को हम दिखाए थे मारुति नगर कॉलोनी का, वहाँ पे बहुत ही खतरनाक गंगा का जलस्तर गलियों के अंदर लोगों का मकान तक डूब गया था और वहाँ का स्थिति बहुत ही भयानक था। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, करीब 3 से 4 दिन लोगों को पानी नहीं मिला पीने के लिए, खास करके बच्चे लोगों को दूध नहीं मिला 2 दिन को पीने के लिए। ये देखिए वाराणसी का दशाश्वमेध घाट का नज़ारा, सामने देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है और इस समय हम एक नाव पे मौजूद है। वहाँ से दशाश्वमेध घाट से नाव पे से चढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप जो सामने देख रहे हैं गंगा सेवा निधि का ऊपर का छत है। इस समय माँ गंगा की आरती शाम को 7 बजे डेली होती है और इस समय स्थान बदल के छतों पे हो गया है और गंगा का जलस्तर आप देख सकते हैं कितनी उफान पे है। इस समय गंगा का जलस्तर थोड़ा से घट गया है। कल हम आए थे दशाश्वमेध घाट पे, पहले देखे थे वहाँ पे क्या स्थिति है, मात्र 1 सीढ़ी बाकी था, आज 1 सीढ़ी घट गया, मतलब 2 सीढ़ी पानी इस समय नीचे डाउन है। वो देखिए दोस्तों सामने श्री काशी विश्वनाथ गंगा द्वार का आप लोगों को हम नज़ारा दिखा रहे हैं और जो आप 5 खंभे देख रहे हैं टोटल, वो बाढ़ से हिल रहे हैं। 1 खंभे में टोटल करीब 48 लाइट है, मतलब बाढ़ ने वहाँ पर बहुत ही तांडव मचाया है। आपको हम बता दें कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 71.26 मीटर से, मतलब 73 सेंटीमीटर ऊपर है, 72.1 मीटर तक पहुंचा है और जिला प्रशासन का राहत और बचाव जारी है। वो देखिए सामने माँ शीतला जी का मंदिर है, छतों के ऊपर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इस समय माँ शीतला का पूजा गलियों के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पे चलेंगे, आप लोगों को हम वो नज़ारा दिखाएंगे। ये दशाश्वमेध भवन है और ये दशाश्वमेध घाट है। ये देखिए शीतला घाट का रास्ता चला जाता है और ले चलेंगे आप लोगों को हम, करीब से दिखाएंगे वहाँ पे गंगा का जलस्तर कहाँ तक है और इस समय कहाँ पहुँचा है। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये सब्जी मंडी का नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोगों को हम सुबह का। वो देखिए सामने इधर का देखिए, अभी तक गलियों में ये बाढ़ का पानी है। देखिए घाट पे जो पंडा रहने वाले हैं वो इस समय यहाँ पे डेरा अपना बना चुके हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ये देखिए हाथ में चप्पल लेके
और बगल में एक छोटा सा लड़का है, वो झोला लिया है, आगे जा रहा है। और ये लोग आगे जाके क्या करेंगे, स्नान करेंगे या यहाँ के स्थानीय रहने वाले। बंदर का टांडव देखिए यहाँ पे, बहुत ही कूद कूद के ये बाढ़ में नहाते हैं। या देखिए या राजा, मतलब छलांग देखें आप, ये या बारे गुरु। ये रास्ता चला जाएगा सीधे शीतला घाट की तरफ, मगर इस समय रास्ता तो पूरा जलमग है, तो आपको हम ले चलेंगे गलियों के रास्तों से चलेंगे छत के ऊपर का, आप लोगों को हम दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए बंदर स्विमिंग करके ऊपर चढ़ जा रहा है, अब बाढ़ में खूब आनंद लेते हैं इन लोग। गलियों का नज़ारा देखिए दोस्तों आप लोग, देखिए बहुत सारे फूल माला का यहाँ पे दुकान लगाए हैं, और इस समय माँ शीतला जी का पूजा इसी के अंदर हो रहा है। ये देखिए इस समय श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये देखिए आप लोगों को हम ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं, माँ शीतला जी का मंदिर पूरा डूब चुका है बाढ़ से, आपको बस खाली ऊपर का झंडा दिखेगा। इधर देखिए श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, वो सामने देखिए बजरंगबली का मंदिर है, जय बजरंगबली। दोस्तों इस समय हम पहुंचे हैं गंगा सेवा निधि छत के ऊपर, आपको दिखाएंगे हम बाढ़ का नज़ारा यहाँ से। ये देखिए घाट का नज़ारा, बहुत ही उफान पे है गंगा, वो देखिए सामने जल पुलिस पूरा डूब चुका है। दोस्तों अब चल रहे हैं बनारस की गलियों में से घूम के सीधे चलेंगे मीर घाट। आप घूम रहे हैं बनारस की गलियों में, बनारस की तंग गलियों में से होके दोस्तों इस समय हम पहुंचे हैं मीर घाट। आप लोगों को हम दिखाने आए इस समय गंगा का जल स्तर कितना घटा है। ये देखिए मीर घाट का नज़ारा, और इस समय गंगा का जल स्तर बहुत ही ठहर गया है, कल बहुत ही उफान पे था। ये देखिए दोस्तों कितनी तेज लहर है अभी भी, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कूड़ेदान वो पूरा टूट चुका है, पूरा पलट भी चुका है। ये देखिए और उसी जगह गंगा स्नान भी कर रहे हैं, ये देखिए।
आपको बता दें सामने वहाँ पे सन 78 2016 2022 का आप देख सकते हैं रिकॉर्ड किस तरह है। ये देखिए 2022 का आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। दोस्तों इस समय हम पहुंच गए हैं बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप सामने, इस समय श्रद्धालु जा रहे श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने, और गेट नंबर एक का आप लोगों को हम नज़ारा दिखा रहे हैं। सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक इसके अंदर एंट्री होती है, उसके बाद इसके अंदर एंट्री नहीं होती है। ये देखिए सामने महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा, ये देखिए सामने रामेश्वर भवन, और इस समय कॉरिडोर में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जो यहाँ के कारीगर है। ये देखिए सुबह सुबह इस मंदिर परिसर में चारों तरफ नीम के पेड़ लगाए गए हैं। वो देखिए भारत माता का प्रतिमा, आपको हम दिखाने आए इस समय गंगा का जलस्तर कॉरिडोर से, और इस समय काशी विश्वनाथ जो जलाशयन है वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। तो ले चलते हैं आप लोगों को हम गंगा द्वार का नज़ारा दिखाते हैं पहले। ये देखिए कितना भव्य बना है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। वो सामने देखिए आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर परिसर में करीब 14 भवन बनाए गए हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो गंगा द्वार है, और चलेंगे हम सीधे रैम के अंदर। ये देखिए दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं रैम के अंदर। बहुत ही आनंद आता है इसके अंदर। आप देखिए फैन वगैरह चल रहा है इसमें। ये देखिए यहाँ से गंगा द्वार का नज़ारा। ये देखिए बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है वो भी देखिए आप ध्यान से। ये जो देख रहे हैं सामने, यहाँ पे करीब 5 खंभे लगाए गए हैं रॉकेट वाले, और एक खंभे में टोटल करीब 48 लाइट है। अभी 2 दिन पहले किसी ने हमें कमेंट किया था, खंबा नहीं हिल रहा है महाराज, ये लाइट हिल रहा है। अच्छा ये बताइए, हमें नीचे का हिस्सा हिलेगा तभी ना ऊपर से हिलेगा। हम ज़्यादा टिप्पणियाँ नहीं करते हैं, आपको लाइव अपडेट हम दिखा रहे हैं। वो देखिए बहुत सारे जो लाइट के वो हैं, दरवाजे खुल चुके हैं। देख रहे हैं किस तरह लाइट लटक गया है, मतलब बाढ़ यहाँ पे तांडव कर रहा है। वो देखिए दोस्तों सामने जो आप ध्वज देख रहे हैं, 2 लटक चुका है। आपको इधर से हम दिखाएंगे मोक्षदायिनी मणकनका घाट, इस समय छतों पे अंतिम संस्कार हो रहा है, वो आपको इसी के अंदर से हम दिखाएंगे। वो देखिए सामने, अब बताया जाता है यहाँ पे चिता की आग कभी शांत नहीं होती, दिनों रात किसी न किसी का दह संस्कार होता रहता है। इसे महाशमशान घाट भी कहा जाता है, मतलब रोजाना 300 या 250 यहाँ पे डेड बॉडी आती है। आप सामने देखिए बाबा मशाननाथ का मंदिर डूब चुका है पूरा, और यहाँ पे करीब 3 से 4 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। अब चल रहे बगल में जलाशयन का आप लोगों को हम दृश्य दिखाएंगे। ये बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। जय बजरंगबली। आप सामने जो देख रहे हैं जलाशयन, वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचा है, और पूरा अंदर जलमग है। इधर से देखिए दोस्तों रैम का नज़ारा। इस समय नौका संचालन पूरी तरीके से बंद है। इस समय जो नाविक हैं बैठ के अपना आराम वगैरह कर रहे हैं, और घाट पे ही वो अपना जीवन बिताते हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे मोक्षदायिनी मणकनका घाट पे करीब 2 से 3 घंटा यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
वो सामने देखिए कार्तिकेय संकुल है और यहाँ पे टिकट काउंटर बनाया गया है विज्ञम गैलरी के पास। और यहाँ पे वीआईपी दर्शन करने के लिए 300 रुपया है और मंगला आरती का 350 रुपये, आरती टिकट 180 रुपया। और यहाँ पे निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था बनाई गई है, सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक एंट्री होता है, फिर उसके बाद ये मंदिर परिसर पूरा 7 बजे के बाद आप लोगों को खाली नज़र आएगा। वो देखिए सामने मानसरोवर लिखा है, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखिए सुबह सुबह यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा है, सब लोग अपने मोबाइल में यहाँ पे घाट के तस्वीरें खींच रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण का पूरा भव्य नज़ारा देख रहे हैं। आपको हम बता दें जो रस्सी लगा है ये उनके लिए लगा है कि आप आगे जा ना सके। इस समय गंगा का जल स्तर बहुत ही उफान पे है और यहाँ पे सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। आपको दिखाते हैं सुरक्षा गार्ड कहाँ पे लगाए गए हैं और बराबर सीटी मारते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए किस तरह लोगों को बता रहे हैं कि आप रस्सी के आगे ना जाएं और फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। हर हर महादेव। और ये देखिए बजड़ा यहाँ पे खड़ा है, मतलब गंगा द्वार पे अब नाव भी चलने लगा है। आपको ले चलेंगे हम पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर दिखाने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ, जय काशी विश्वनाथ। इस समय दोस्तों हम मौजूद है पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में। आप देखिए इन तस्वीरों में काठमांडू के तर्ज पे बनारस में पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर बना है और इसमें जो कलाकृतियाँ की गई है पूरा लकड़ियों पे की गई है, आप जैसा कि देख सकते हैं। दर्शन करा दे पहले आप लोगों को। हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ। आपको हम यहाँ से दिखाएंगे गंगा द्वार का नज़ारा। ये देखिए गंगा कितनी उफान पे है और इस समय गंगा का जलस्तर थोड़ा से घट गया है। आप जो सामने देख रहे हैं जेटिंग पुल यहाँ से नहीं दिखेगा, वो पूरा डूब चुका है। ये सामने देखिए ललिता घाट है, ललिता घाट का नाम भी नहीं दिखेगा आप लोगों को और पूरा नीचे तक बाढ़ का पानी जलमग हो गया है। ये जो आने का रास्ता होता था अंदर से, इधर से होके आप ऊपर मंदिर में पहुँचते थे, मगर ये रास्ता बंद हो गया। अब देखेंगे कल आगे क्या कम होगा। चलते हैं दोस्तों मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट का आप लोगों को ऊपर से दृश्य दिखाएंगे। इस समय अंतिम संस्कार बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, जय शंभु, जय हर हर शंभु करो। दोस्तों ये देखिए काशी विश्वनाथ में एस्केलेटर की सुविधा लगी है, हम यहाँ से अब नीचे उतरेंगे। देखिए हम मणिकर्णिका की गलियों में मौजूद हैं। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और चलेंगे सुबह सुबह भैया से खास बातचीत करने मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट के बारे में। गंगाधर गुप्ता, मणिकर्णिका घाट। अच्छा, इस समय अंतिम संस्कार में लोगों को कैसा दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बस बाढ़ की वजह से लकड़ी और बॉडी नाव से पहुंचाना पड़ रहा है। अच्छा। और उसमें आदमी इतना मतलब 6 फुट 3-3.5 फुट पानी में गीले हो जा रहे हैं, बस यही दिक्कत है, बाकी सब काम हो रहा है। कितना देर यहां पे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है? ऐसा है कि 10 चूल्हा है, 10 चूल्हे पे 11 है ना कम से कम? नहीं नहीं 10 चूल्हा है, 10 चूल्हे पे अगर 10 बाटी रखी है तो अब 10 और जल जाएगी तब आपका नंबर आएगा, बस यही दिक्कत है। इसको मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट क्यों कहा जाता है? अरे भैया यहाँ पे शंकर जी आए थे, पार्वती जी आई थी घूमने और
इतिहास में लिखा है कि मोक्ष के लिए मणिकर्णिका घाट सबसे उत्तम जगह है। इसको महाशमशान घाट भी कहा जाता है। यहाँ 24 घंटा आग ही जलता है भैया, यहाँ आग कभी बंद नहीं होता, इसीलिए यह श्मशान महाशमशान कहलाता है। भगवान शंकर यहाँ पे खुद मुर्दे के कान में मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं। हाँ, यहाँ ताड़केश्वर मंदिर है, यहाँ ताड़क मंत्र दिया जाता है। बताया जाता है माता पार्वती का यहाँ पे कंड फूल कुंड में गिर गया था। हाँ, है ये सही है। ये देखिए गलियों में नाव चल रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं सतुआ बाबा का पूरा नाम, सीढ़ियों तक ये बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, और इस समय डेड बॉडी यही नाव के ऊपर से सहारे से छतों के ऊपर जा रही है, और लकड़ियां भी जो है इसी के सहारे जा रही है। ये देखिए नाव के सहारे कैसे जा रहे हैं। ये देखिए नीचे का नज़ारा, इस समय गंगा का जल स्तर कम हुआ है। अभी हम परसों आए थे तो यहीं पे पूरा एरिया जो था जलमग हो गया था, और वहीं पे हम आगे जाके गिर गए थे। वो देखिए, अब चलेंगे यहाँ से, हम छत के ऊपर से आप लोगों को घाट का नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट का नज़ारा, जो लकड़ियाँ होती है यहाँ पे पूरा अच्छे से चलैया होती है, उसके अंदर से जो भी कीमती चीज़ होता है वो निकाला जाता है। दोस्तों इस समय हम मौजूद है मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट के छत के ऊपर से, आप लोगों को हम बाढ़ का नज़ारा दिखाने आए हैं। वो सामने देखिए रैम का नज़ारा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे देखिए 5 खंभे लगे हैं, और एक खंभे में टोटल करीब 48 लाइट है। अब बाढ़ से पूरा ये हिल रहा है, गौर से देखिए इन तस्वीरों को, और जो ध्वज है वो दो डो गिर चुका है, और 3 ध्वज अभी तो लहरा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए ध्यान से, आपको यहाँ से हम दिखाएंगे रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर, वो भी शिखर तक पहुँच चुका है बाढ़ का पानी, और इस समय गंगा का जलस्तर थोड़ा से कम हुआ है, मतलब पानी अस्थिर हो गया है। ये नीचे दुकान देखिए आप सामने, पूरा दुकानें हुआ करती थी, इस समय पूरा बंद हो चुका है, लोगों के दुकानों के अंदर बाढ़ का पानी पहुँच चुका है, लोग यहाँ से जाया करते थे सिंधिया घाट की तरफ। आपको थोड़ा हम जूम करके दिखाएंगे यहाँ से, वो देखिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर, उसे टेढ़ा मंदिर भी कहा जाता है। उधर जो आगे देख रहे हैं दत्तात्रेय जी का मंदिर है, और ख़ास करके हम रत्नेश्वर महादेव जी की बात करेंगे, इसे लोग काशी करवट कहते हैं। दरअसल एक काशी करवट है नहीं, काशी करवट चौक वाले रास्ते में खोआ मंडी जो है उसी के गली के अंदर है। ये देखिए सामने ब्रिजपाल दास रामा देवी विश्राम स्थल है, और इस समय वो सामने देखिए बांस और बल्ली का रास्ता बना दिया गया है लोगों के लिए कि लोग आ जा सकें, और यहाँ पे स्टॉक की लकड़ियाँ कुंटल की कुंटल रखी जाती है बाढ़ में छतों के ऊपर। वो सामने देखिए जो गंगा द्वार से हम आते हैं गलियों के रास्ते से, तो वहाँ पे गली के रास्तों में नाव चल रहा है। ये देखिए बाबा मशानाथ का मंदिर है, ऊपर तक बाढ़ का पानी पहुँचा है। समय देखिए लकड़ियों की जो जला हुआ है उसको निकाल के पानी में चला जा रहा है, जो कीमती चीज़ होता है उसको निकाला जाता है। इस समय दोस्तों हम पहुँचे हैं वाराणसी के सिंधिया घाट पे, चलेंगे दत्तात्रेय जी का मंदिर दिखाएंगे, और वहाँ का देखेंगे कितनी उफान पे है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। अभी भी पानी में आप लोगों को लहर नजर आ रही है, जैसा कि देख सकते हैं आप। मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है,
और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं गंगा स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय मौजूद है संकटा घाट के तरफ, गलियों के रास्तों से चला जाता है संकटा मंदिर, जय माता दी। वो सामने देखिए राजघाट पुल का आप लोगों को हम नज़ारा दिखा रहे हैं, वो भी जूम करके। इस समय मौसम थोड़ा हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। इसको मालवी ब्रिज भी कहा जाता है। नीचे से चलता है ट्रेन और ऊपर से दो पहिया चार पहिया वाहन चलता है। और इस समय छतों के ऊपर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस वीडियो को अच्छे से हम एडिटिंग करके चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त।